पर बड़वानी से महाशिवरात्रि पर्व के दौरान नर्मदा घाट पर स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु थाना प्रभारी ने नाव से सर्चिंग कर लोगों को दी समझाइश। अलग अलग घाट पर ना जाकर एक जगह बैठकर करें स्नान, सुरक्षित स्थानों पर रहें खड़े। बड़वानी जिला मुख्यालय से लगे राजघाट में सरदार सरोवर के बैक वाटर के पानी के कम होने के बाद आज महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में राजघाट के पुराने घाट पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने नर्मदा में स्नान कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। वहीं पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल के निर्देशन पर आज कोतवाली पुलिस ने नर्मदा घाट से लेकर मेन रूट तक की यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। साथ ही कोतवाली थाना प्रभारी राजेश यादव भी पूरे समय अपनी टीम के साथ राजघाट पर लगे रहे। वहीं थाना प्रभारी ने NDRF की टीम के साथ बोट के माध्यम से नर्मदा में घाटों के किनारे सर्चिंग की और वहां पहुंचे कुछ श्रद्धालु अलग अलग घाट पर स्नान कर रहे थे जो सुरक्षित स्थान नहीं थे, जिन्हें थाना प्रभारी ने सर्चिंग करते हुए समझाइश दी। श्रद्धालुओं से अपील भी की कि आप सुरक्षित स्थानों पर स्नान करें, गहरे पानी में कोई भी स्नान न करें। बता दें महाशिवरात्रि पर्व के दौरान आज राजघाट पर काफी भीड़ रही। शिवरात्रि है सर, क्या विशेष व्यवस्था की गई है नर्मदा घाट पे? ये महाशिवरात्रि है और इसमें आप जैसे नर्मदा जी का किनारा है, यहाँ श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आते हैं। उसको देखते हुए सर्वप्रथम पूरी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो उसके लिए पूरा वो फोर्स लगा हुआ है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो, इसलिए SDRF की जो टीम है उसमें बोट लगाई गई है प्राइवेट, और उसके अलावा जो प्राइवेट बोट वाले उनसे भी हमारा संपर्क है और पुलिस फोर्स सभी दूर लगा हुआ है ताकि ये पर वो शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग मनाए। सर बोट पे सर्चिंग भी की है आपने, पूरे घाट पे घूमे, लोगों को समझाइश दी है सर? ये बोट से सर्चिंग का उद्देश्य यही था कि कई बार ऐसा होता है कि नर्मदा जी का किनारा काफ़ी बड़ा है तो लोग दूर दूर किनारों पे बैठ कर नहाते हैं और कई किनारे जो है काफ़ी खतरनाक हैं, जहाँ उनको जानकारी नहीं होती, दलदली जमीन है या कहीं गिर सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी मिट्टी का भराव है जो, तो उसको देखते हुए जो लोग ऐसी जगह बैठे थे कोने पे या जो दलदली जगह नहा रहे थे उनको हटवा दिया गया है, समझाइए देंगे। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।